हेलो दोस्तों, आप लोग का स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप लोग इलेवेंथ में एडमिशन जहां कराने जाओगे वहां पे ये चीज डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन सा आप लोग के पास है, सब कुछ बताने वाला हूँ। आप लोग को उसको कहाँ मिलेगा, कैसे बनाओ, सब कुछ। तो आप लोग को वो चीज आप लोग को बनवा लेना, नहीं तो एडमिशन के समय बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला। सबसे पहले आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग सिटी चेंज कर रहे हो तो बहुत ही दिक्कत होने वाला, किस तरीके से क्या चाहिए। अगर सिटी आप लोग चेंज कर रहे हो, अगर महाराष्ट्र से जा रहे हो यूपी पढ़ने, तो वहां पे एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कौन कौन सा चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप लोग का रिजल्ट जो 10वीं का आने वाला है आप लोग का जून में, तो इसके लिए बोलता हूँ। उसके बाद आप लोग एडमिशन कराओगे तो वहां पे आप लोग को डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इलेवंथ के लिए, कॉमर्स हो, साइंस हो या आर्ट्स हो, सबके लिए बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना, कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, याद रखना कौन कौन सा मैं बोल रहा हूँ, उसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग सोचते हो ना कि थोड़ा सा वीडियो देख के चले जाऊं तो हो जाएगा, होएगा नहीं कुछ भी, इसके लिए आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं रहता। आप लोग को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्या क्या चीज चाहिए, तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर करना। चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए, ध्यान से सुना, पहला आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग टीसी बोलते हैं, ध्यान से सुनना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी चाहिए, लिख लो आपको बोल रहा हूँ, ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी चाहिए। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अब बोलोगे बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, तो आप लोग कहीं पे भी पैदा, जहाँ हॉस्पिटल है कहीं पे भी पैदा हुए रहोगे तो वहां पर से वहां डॉक्टर आप लोग को सर्टिफिकेट बना के दिया रहेगा, वो सर्टिफिकेट आप लोग को इलेवंथ में काम आता है, ध्यान से सुना, इलेवंथ में काम आएगा बर्थ सर्टिफिकेट को वहां पे चाहिए। और एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वहां एसटी ओपन ये सब आता है, एसटी ओ सब में आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, याद रखना। फोर्थ नंबर पे है टेंथ का मार्कशीट चाहिए, टेंथ का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब बोलोगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट आज तक तो सुना ही नहीं था, तो मैं आप लोग को बताता हूँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, कि अगर आप लोग इन केस कभी बाय द वे अगर महाराष्ट्र से जा रहे हो यूपी में पढ़ने, तो वहां पे आप लोगों सिटी जब चेंज करते हो तो वहां पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। क्या माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है, उसको आप लोगों को यहाँ से लिख के देंगे कि हमारे स्कूल से यहाँ से लड़का पढ़ के वहां जा रहा है, वहां पे एडमिशन इसलिए हो जाएगा, बट यहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोग को चाहिए। उसके बाद आप लोग को आधार कार्ड चाहिए, या तो अदर आप लोग के पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ है आधार कार्ड के बदले, वोटर आईडी या कुछ भी है तो भी चलता, बट यहाँ पे कंपल्सरी आधार कार्ड आप लोग को बनवा लेना है अगर नहीं बना है तो। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, 2 पासपोर्ट फोटो, अगर दो आप लोग को अच्छा अच्छा फोटो ले लेना है, अपना खिंचा के रख लेना है, क्योंकि इलेवंथ में आप लोग को काम आने वाला। उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो इतना ही आप लोग को लिविंग सर्टिफिकेट, एलसी जो बोलते हैं, अगर स्कूल से जब आप लोग टेंथ पढ़ के निकलोगे तो ये अपने स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट बना के दे देंगे कि मेरे स्कूल से बच्चा निकल गया। अब मैं बताऊं आप लोग को, इतना आप लोग कंपलसरी, पहला है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, उसका कास्ट सर्टिफिकेट, उसका टेंथ का मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद आप लोग को 2 फोटो चाहिए और लिविंग, और आप लोग को चाहिए लिविंग सर्टिफिकेट स्कूल की तरफ से मिलेगा। तो अगर आप लोग को इन केस अगर आप लोग स्कूल नहीं चेंज करो, ध्यान से सुनना, अगर बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में रहते हैं 10वीं है फिर 11वीं 12वीं उसी में सब डिग्री है, तो आप लोग उसमें में अगर उसी में स्कूल में हो तो आप लोग कुछ भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग इजिली उसी में पढ़ रहे हो तो इजिली का उसी में पढ़ोगे, आप लोग कोई भी चीज की जरूरत नहीं। बट आप लोग कहीं अदर में स्कूल में कॉलेज में जा रहे हो एडमिशन के लिए, तो यहाँ पे ये सब की जरूरत पड़ेगा, प्लस ऑनलाइन अगर आप लोग भर रहे हो फॉर्म तो भी वहां पे ये सब की जरूरत पड़ेगा। इसके लिए बोला है जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम है तो 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके से वीडियो आप लोगों को सिर्फ पीएचडी टेक दे सकता है। बस जितना हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करना इसको।